पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन कर लीजिए अपने मन को एकाग्र आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। आज का एक निराला विषय मेरे प्रभु प्रेरणा दे रहे गए और भी एकाग्रता सुना जाना चाहिए। साधना में सबसे बड़ा विघ्न क्या है आप सबके लिए बड़ा जरूरी विषय है जो हमारे उच्च कोटि के महापुरुषों ने विशेषकर महर्षियों ने हम लोग जो सब कल्याणकामी है बड़ी जोरदार चेतावनी दी है। इस मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न कल्याण के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न अंतर्मुखी हो जाने में सबसे बड़ा विघ्न आवागमन के चक्कर से छूट जाने के लिए सबसे बड़ा विघ्न है। जीव सत्संग में भी आते रहते हैं पुण्य भी कमाते रहते हैं लेकिन उस विघ्न को दूर नहीं करते तो फिर ठोस रूप में साधना नहीं बनती। मेरी विशेष करके और आपकी भी ये तीव्र आकांक्षा है कि हमारा यहां आना सफल आम स्थानों की तरह आए प्रणाम किया और चलते बने इससे ठोस लाभ नहीं होता। आप में भी अगर कमी हो तो इस पूरी कर लीजिए कि मेरे आने का लाभ होना चाहिए और लाभ ठोस रूप में। और ठोस रूप में लाभ क्या होता है जब जीव पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाए। मैं शब्द लगा रहा हूं पूर्ण रूपेण का मतलब मनसा वाचा कर्मणा इंटेलेक्चुअली मेंटली फिजिकल एज वेल फिजिकली इन सारों से अंतर्मुखी हो जाना तब वो ठोस लाभ माना जाता है। आओ आज ऐसी एकांत से भरपूर वातावरण में हम इस पर लगभग एक घंटा विचार करें। फिर भी आपको कहूंगा मैं तो पानी के बहाव की तरह बहता चला जाऊंगा पर आप अपने मन को एकाग्र रखना। साधना में सबसे बड़ा विघ्न यह है आज का प्रभु प्रेरित दिव्य विषय। देवी और सजनों वो थोड़े जीव होते हैं जिनमें कल्याण की शुभ इच्छा खड़ी हो जाती है वरना जैसे आप अपना भी हाल देख रहे थे और बाकियों को भी अभी देख रहे हैं सिर्फ इन्हीं में मस्त है खाना पीना बच्चे बनाना मर जाए बस इससे परे कुछ है कोई पता नहीं उनको। उनको हम उच्च कोटि का रजोगुणी कहते हैं तमोगुणी की तो बात मेरे से करो ही नहीं। सुतोगुणी में कल युग के अंदर जो जो दिन चढ़ता गए मैं आप क्या कर सकते हैं और करना चाहिए भी कुछ नहीं भगवान की चाहना ऐसी है। मैं ये शब्द कहने के लिए मजबूर हूं कि आप जैसे दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं और भी कम और भी कम और भी कम जो दिलो जान से भगवान की ओर लगने वाले हों बहुत कम बहुत कम। उनकी इच्छा अब आप जो कुछ हैं ये जरूर मन के अंदर आकांक्षा हो कि मेरा गीता जी सुनना सफल होना चाहिए जाप करना भजन करना सिमरन करना बारहवें अध्याय का पाठ करना ये सब मेरा सफल होना चाहिए दान देना और भी कोई मेरे प्रभु आपसे शुभ कार्य करवा रहे होंगे ये सफल हो जाए बिल्कुल ठीक। तो इसमें अब विघ्न क्या है लीजिए
शरीर का शरीर के हमारे शरीर के कोई भी अंग विघन नहीं है। एक बार फिर क्यों कहना चाहता हूं, रब जाने, एकाग्र, बिल्कुल एकाग्र। भगवान ने हमें 10 अंग दिए हैं, कोई भी अंग आपकी साधना में विघन नहीं है मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, इनको बुरा भला ना कहा करो, कोई दोष नहीं है। आंखें धोखा देती हैं, आंखों को कोई दोष नहीं, आंखें नहीं देखा करती, आंखों के पीछे छिपा हुआ मन देखता है। कान बड़े धोखा देती हैं, संसारी बातों में लगे रहती हैं, सुनती रहती हैं। नहीं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कान ही धोखा देते, कान में बैठकर मन सुनना चाहता, या वाणी धोखा देती है। नहीं, शरीर का कोई भी अंग हमें धोखा नहीं देता, हमारे लिए बाधा है ही नहीं। इसके पीछे जो डुअरशिप है या कर्ता है वो मन है, और ये भी आप भली प्रकार जानते हैं, जो कर्ता है वही भरता होता। हु इज द डुअर, दैट मस्ट बी इंजॉयर। ये नहीं करे कोई तो भरे कोई, अगर मन करेगा तो मन ही भरेगा। इस पर किसी को इतराज हो तो मेरे मुंह में लगाम दे दो, मैं नहीं बोलना चाहता। किसी अंग का दोष नहीं, अंग किसी के लिए बाधा नहीं बनता, केवल मन ही बाधा बनता है। अंग बिल्कुल नहीं देखना चाहते, सुनना चाहते या कौर को कार्य, मन इनमें बैठ के अपनी कामना पूरी करना चाहता है। आप लोग जो थोड़ी सी जीव हैं और कल्याण की आकांक्षा रखते गए, फिर भी बड़ी कुर्बानियां करके आओगे, ऐसे तो भगवान आपको आसानी से लाएंगे नहीं। वो चाहते ऐसी हैं कि कुर्बानी के पुतले आप बनते चले जाए। अच्छा जी, इस मार्ग में बाधा कोई अंग नहीं, इन अंगों को हम अपनी वैदिक सनातन धर्म के अनुसार इंद्रियां बोलते, इंद्रिय, कोई इंद्रिय बाधा नहीं। जो इर्द गिर्द कोई बोल देता है तो वो अनुभव ही नहीं है, वो सुनी सुनाई बात कर रहा है। फलानी इंद्री तंग करती है, फलानी इंद्री बाधा बन जाती है, साधा नहीं कर देती, इंद्री विचार ने क्या बाधा बननी। अब हम कहेंगे मन, सब स्वीकार कर लो कि साधना में सबसे बड़ा विघ्न मन है। मेरे विचार में आप सब मान रहे होंगे, मेरी माताएं, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग और भाई स्वीकार कर रहे होंगे। अब चलो अब आगे बढ़े। अगर मन बाधा है तो मन क्या है? शाबाश, ये क्या है जी? यहां रखो भगवान, या रखो मन और या रखो भगवान। ये देखिए, मैं गलत कह दिया आपको, ये है हमारा तन, ये है हमारा मन, ये है हमारे भगवान। तन और भगवान के बीच में जो कुछ भी है उसे मन कहते हैं। तन और भगवान के बीच में, तन और भगवान के बीच में, या यूं भी कहा गया, तन नहीं कहा गया, क्या कहा गया? इंसान और भगवान के बीच में जो है उसे मन कहते हैं। फिर भी एकाग्र रहना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इंसान और भगवान के बीच में, बिटवीन मैन एंड गॉड देर इज माइंड, बिटवीन मैन एंड गॉड देर इज माइंड। मन का स्थान कहां है? मानव और भगवान के बीच में। शाबाश, इतनी बुद्धि में समा लेना। अब जो कुछ भी करना है तन के लिए नहीं करना। मानव, मानव मन का नाम है, इंसान मन का नाम है, और भगवान के लिए भी कुछ नहीं करना। भगवान तो परफेक्ट जात है, करना उसके लिए होता है जो अधूरी जात हो, जो इनकम्प्लीट हो, इम्परफेक्ट हो। फिर भी एकाग्र रहना मेरी देवियों,
करना उसके लिए होता है जो 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 नामुकम्मल हो, अधूरी चीज हो। भगवान तो परफेक्ट है, इनके लिए क्या करना? और तन के लिए क्या करना? तन तो भगवान ने पहले ही आपको मुकम्मल दे दिया, आप इसमें बढ़ोती घटोती कुछ नहीं कर सकते। तन के अंगों में घटोती बढ़ोती आपसे हो ही नहीं सकती, आपके बस की बात ही नहीं। अच्छा, और भगवान के लिए क्या करोगे? कुछ भी नहीं। तो किसके लिए करना है? मन के लिए, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है। कोई 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 घटते बढ़ने को मैं कहूंगा उतराव चढ़ाव में, अप्स एंड डाउन में, निशेबो फराज में मन रहता है। जबरदस्त बाधा है तो मन, और जरा इस पर विचार करें, ऐसे सुंदर प्रेम से भरे हुए वातावरण में बैठे हुए विचार करें। मन का फंक्शन, मन का नाम, मन किसे कहती है, जरूर हमें सोचना चाहिए। अगर मन ही बाधा है हमारी साधना में तो इस पर तो विस्तार पूर्वक सोचना। भगवान मुझे ताकत देते जाए, मैं लगातार बोलता जाऊंगा। बड़ी जबरदस्त बाधा क्या इंसान कल्याणकामी जीव में अगर है तो मन। और मन किसे कहती है? लो जरा फिर एकाग्र हो जाओ। मन जैसे आप बोल रही हैं, मनन से निकला है, मनन से बना है मन। अच्छा, क्योंकि हम सब संतान मनु की हैं, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहला अहोभाग्यशाली उच्च कोटि का तपस्वी इंसान जिसने धरती पर पैर रखा उसका नाम मनु था। द वेरी फर्स्ट मैन, बल्कि मुझे थप्पड़ मारना चाहिए जो मैं फर्स्ट मैन का, द वेरी फर्स्ट लक्की मैन, मोस्ट लक्की, उसको हम मनु जी कहते हैं। ये तो आप सब जानते हो। मनु के अंदर विचार उठे, इधर क्या है, उधर क्या है, यहां क्या है, वहां क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, ये मनन हुआ। किसी बात पर बार बार सोचने को हमारे राष्ट्रभाषा के अनमोल शब्दों में मनन कहते हैं। अब मनन क्या, कौन करता है ये मनन? मन। अच्छा, सबसे पहले यहां पर पावन पुरुष अहोभाग्यशाली मनु आए, उन्होंने जब धरती पर पैर रखा तो उनके अंदर मन शुरू हुआ, टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, अगेन एंड अगेन, थिंकिंग ओवर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ये बार बार इधर उधर सोचने लगे, ये मनन हो गया। ये किसने किया? उनके अंदर मन ने किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने तप किया। अच्छा, उसके बाद सबसे पहली नारी, सबसे पहली स्त्री जिसने इस धरती पर पैर रखा, हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार, हमारे उच्च कोटि के पुराणों के अनुसार, उसका शुभ नाम था शतरूपा। शतरूपा, शत मैंने सौ, सीधा बात बची, और रूप में रूप, जिसने अनेक रूप बनाए, उस पहला, इन दोनों को फिर मिलाप हुआ, उससे जो पहला इंसान पैदा उसे मानव कहते हैं। वाह, ये खूब एक थैली की चट्टी बट्टी, मनु, मनन, मन, मानव, कितने प्यारे शब्द हैं ये। पर हमें आज इनकी ओर नहीं जाना, हमें तो जो पहला सफुर्ण हुआ मनु जी के अंदर, हमने उस बात पर विचार करना है। इसे मन कहते हैं, मन नाम है, मनन करना, सोचना, विचारना। लेकिन इसको भी नहीं मन कहेंगे, आपने एक मिनट लगाया, मां जी के बारे में सोचा, पिताजी के बारे में सोचा, फिर छोड़ दिया ख्याल, फिर अपनी मां का पत्र तेरा आया उसके बारे में सोचा, फिर फौरन अपने पति के बारे में सोचा, लड़की जवान हो रही है इसके बारे, इसको नहीं कहते मन है ना। एक ही विषय को लेकर लगातार सोचे, एक ही विषय ले लो कोई, जो सिर्फ मन ही, आपने अपनी नौकरी के बारे में इसी पर सोचते जा रहे हो, ये मन है। दृष्टांत देकर के तो महापुरुषों ने कमाल कर दिया, जैसे टनों टन लगातार जल के प्रवाह का नाम नदी है,
तनो तन में दिव्यो, और निरंतर शब्द कह रहा हूं, लगातार जल के प्रवाह का नाम नदी। हां, नदी इसी कहते हैं ना, तनो टन पानी, तनो टन जल का प्रवाह एक ओर बहता जा रहा हो, झल्लो कमलों की तरह, जो झल्ले होते हैं, झल्ले कमलों की तरह जो पानी लगातार बह रहा हो, हम उसे कहते हैं ये नदी है। इसी तरह किसी एक विषय पर लगातार मन सोच रहा हो, इसे मन कहते हैं। फ्लो ऑफ वॉटर इज रिवर एंड फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। बिल्कुल ना भूलना, बिल्कुल ना भूलना, लगातार पानी के प्रवाह का नाम नदी गए, इसी तरह लगातार विचारों के प्रवाह का नाम मन है। बार बार सोच रहा हो और यहां तक सोच रहा हो उसके तन मन की शुद्ध बुद्धि न रहे, मैंने कपड़ा कहीं लिया है कि नहीं लिया, या मैं किस रूप में बैठी हूं, या मैं किस रूप में बैठा हूं, मेरी क्या दशा बनी हुई है, ये शुद्ध बुद्धि ना हो, इसको मन कहते हैं। आप अपने बारे में भूल जाए कि मैं नर हूं या नारी हूं या गृहस्थी हूं व्यक्ति हूं, एक ऐसी कोई जरूरी आइटम है जिसके ऊपर आपका मन सोचे जा रहा है, गहराई में उतरे जा रहा है। मन, मन नाम है विचार करने का। ओ नेक जीवो, ओ बड़भागन मेरी देवियो, शायद मेरे प्रभु मुझे माफ नहीं करेंगे, पर मेरे मन से यह बात निकलती नहीं, बड़ा निकाला नहीं निकलती, मैं हार गया हूं। इस अवस्था पे मुझे अपने भगवान के साथ शिकवा है मेरे इष्ट देव मेरे सर्वस्व है, मेरे पर बड़े कृपा करने वाले, पर मुझे उनके साथ शिकवा है। इंसान को इतना बता दिया होता कि मन तेरे अंदर रख रहा हूं, तूने ये चिंतन करना, बस यह मुझे अपने इष्ट देव के साथ शिकवा है। चूंकि मन का काम जरूर सोचेगा, टू थिंक ओवर इट्स बट नेचुरल, सोचना विचारना ये जरूरी है, इसके लिए अनिवार्य कह दूं, मैं एक साधारण रूप में कह रहा हूं, अनुभवी की बात नहीं कर रहा, जिनकी रसाई मेरे इष्ट देव तक हो चुकी है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कल्याणकामी जीवों की बात कर रहा हूं, लेमैन कॉमनमैन की बात कर रहा हूं। ये सोचेगा जरूर, पर क्या सोचना है, ये सवाल क्यों उठता है, क्योंकि संसार में वैरायटी है, एक के बारे में कोई सोचते नहीं। क्या घर में दाल बनी है, अब क्या सोचेगी, घर में मूंग की दाल बनी है, मूंग की भी दाल बनी है, खिचड़ी भी बनी है, और चावल भी बने गए हैं, भरता भी गए, अब आपको सोचना पड़ेगा, तीन चार चीजें हो तो ना, यू आर बाउंड टू थिंक, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ले लूं, दाल मुझे अच्छी लगती, चावल ले लूं, ये सब्जी क्यों बनाई ये ले लूं, थोड़ी सी फुलके ले लूं, ये सोचना पड़ा, एक ही चीज के बारे में नहीं सोचना पड़ता। भगवान ने तीन गुणों से सृष्टि बनाई है, ओ नेक जीवो, ओ नेक बेटियो, और तीन जीवों तीन गुणों से नाना प्रकार की सृष्टि है, इन तीन गुणों ने गजब ठा दिया, कमाल कर दिया, हलचल मचा के रख दी। अपने अंदर देखो, मैं जैसे घर में देख के आया हूं, सारी जिंदगी रह जब तक तो मैं घर में रहा हूं, फिर तो मैं कॉलेजों में चला गया, माता जी पिताजी की बनती बहुत इतना तो नहीं, पर फिर भी खटखट हो जाती थी, आपस में प्यार किसी न किसी बात को लेकर के कुछ न कुछ हो जाता था। आगे बहने देखी, एक की सुर एक से नहीं मिली, खैर मैं उनका एक ही भाई था, और भाई होता था वो भी मुकाबला कर लेता कि मेरी उससे नहीं बनती, मेरी उससे नहीं बनती। यानी घर के अंदर भी हम देखती हैं आपस में नहीं बनती, एक बाप का खून है, एक अंजल हम खा पी के बड़े होते हैं फिर भी नहीं बनती, एक ही कपड़ा नहीं सारे पसंद करते कि पिताजी लाए, एक ही कपड़ा रूढ़ी तो उठा के ले आइए, ले अगले इतना रुपया खर्च करके आइए तो सो मैंने रूढ़ी पर उठा के लाइए, ऐ कुछ सब्जी ये पशु नहीं खांदे था, लो इन एक सब्जी सारे खुश होके खा ले मैं नहीं कह सकता, एक कपड़ा सारे खुश होके पहन ले एक परिवार के अंदर मैं नहीं कह सकता। भगवान ने इतनी वैरायटी बनाई है संसार के अंदर, और इस वैरायटी में सोचना पड़ता है, क्या कि मेरे मन में तो सोचना है, मेरे साथ रहना बेटी कहीं ना जाना, मेरे साथ रहना,
इतनी वैरायटी है, तो मन क्या सोचे क्या ना सोचे। सीधी बात है, मां ने कहा जा बेटी आज बाजार में जाके टिंडे ले आ। मां तो मेरी बड़ी भोली मां है। हां एक बात बताऊं, परसों ही मैं वापस आई थी, और भी सब्जी के नाम बतला, वहां ना टिंडे हो तो, टिंडे ना हो तो फिर अच्छा आलू लेती आना, बढ़िया घर में पड़ी है बना लेंगे। हाँ ये बात मजा आई ना, मैं ये नहीं कि मैं ये लेके आऊंगी। हां अब रब को बताना चाहिए था बेटे, तीन गुण मैंने संसार में भेजी है, तीन गुणों से पांच तत्व भी है, पांच तत्व और तीन गुणों ने आपस में पक्की दोस्ती लगाई है, इन आठों ने मिलकर नाना प्रकार के रूप बनाए हैं, नाना प्रकार के पदार्थ बनाए गए, नाना प्रकार के प्राणी बनाए गए, अब तू मां के पेट से बाहर निकलना चाहता है। हाँ तो ये चिंतन करना, भगवान करे ये प्रश्न मेरे से निकल जाए, नहीं निकलता, मैं कह रहा हूं मैं हार गया हूं। जब हम हमारा जीव मां के पेट में आया था, साढ़े चार महीने में आपके गर्भ के अंदर बच्चा पूरा हो जाता है, यानी हर अंग बन जाते हैं, उसके बाद जीव प्रवेश करता है, जिसको भगवान जी ने कहा वो ईश्वर, यानी एक तन में दाखिल, एक से जुदा साथ अपने ले जाए, वो पिछले जन्मों के संस्कार सूक्ष्म शरीर साथ लेके आपके गर्भ में प्रवेश करने जा रहा है साढ़े चार महीने के बाद। अब इसने फिर साढ़े चार महीने के बाद पूरा होके बाहर निकलना है। अब बाहर निकलती बाहर जिस परमात्मा ने प्रसव वायु बनाई थी, एक विशेष प्रकार की हवा जो मां के पेट से बच्चे को बाहर निकाल दे, इतनी होशियारी भगवान कर सकते हैं, तो क्या ये होशियारी नहीं कर सकते थे कि उस मन को भी फूका मार देते कि बाहर जाकर के तू ये चिंतन करना ये चिंतन ना करना। शरीर को तो विशेष प्रकार की वायु दे देती है, विशेष प्रकार की वायु ना निकली तो बच्चा तो पेट से निकल नहीं सकता, इतनी जोर की वायु का गश आता आपके पेट के अंदर, बच्चा बाहर आ जाता, तो मन को भी साथ ये प्रेरणा दे देते कि बाहर जाकर के ये सोचना। ओ मेरे इष्ट देव के बनाए हुए नेक जीवो, या इंसान ने मार खा ली, ऐसी मार खाई, ऐसी मार वजी के क्या बोलूं क्या कहूं, कैसे अपने अंदर के भड़ास को बाहर निकालूं, यहां इंसान ने मार खाई। क्या कहने को तो मेरे कृष्ण ने दो श्लोक इकट्ठे कह डाले, लेकिन ये नहीं कहा इनका इलाज ही कर दूं। बाहर आके जीव ने देखा ना, मां का चेहरा देखा, पिताजी का चेहरा देखा, बहनों भाइयों को देखा, दिन ब दिन इनको देख देख के अपने अंदर बसाता जाएगा, क्योंकि पांच साल तक बच्ची की आंखें क्या क्या कैमरे के लंस की तरह होती है, उनको बार बार देख करके अपने अंतःकरण की सेंसिटिव प्लेट पे अंकित करता चला जाता। उधर कैमरे में होती है सेंसिटिव प्लेट, सेंसिटिव प्लेट को अपनी हिंदी में कहेंगे सुग्राह्य पत्र, सु मैंने जल्दी जल्दी, ग्राह्य मैंने पकड़ लेने वाला, पत्र मैंने एक विशेष कागज जो जल्दी जल्दी बाहर के इंप्रेशन को पकड़ ले, सुग्राह्य पत्र इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंसिटिव प्लेट, उसकी आंखें इतनी सेंसिटिव होती है एक विशेष मां की शक्ल पकड़ गया। अब छोटा सा बच्चा देख लो इस लाइन में रिजेक्टेड रिजेक्टेड अब जा रहा है रिजेक्टेड रिजेक्टेड फिर घूम गया अम्मा एक्सेप्टेड, इतनी लाइनें रिजेक्ट कर दो उसकी आंखों में बसी एक विशेष प्रकार, वन सारियां ये मामा नहीं है, पर नहीं उसे पता एक विशेष प्रकार वाली मां वो मेरी है, ये सारे रूप अंदर बस जाते हैं सब के सब। अब ये नाना प्रकार के रूप, नाना प्रकार के रूप, और मन ने सोचना है, सोचे बिना रह नहीं सकता। सवाल है फिर वो साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नबोधक चिन्ह, क्या सोचे क्या सोचे, अब क्या करता है जो नजर आ रही है चीजें जो वो सोचेगा, चलो सोचता रहता कोई बुरी बात नहीं, पर घर के अंदर भी दो तीन बहनें हैं तो बीच वाली बहन प्यारी लगती है, बाकी बहनें कोई तकरार नहीं है, पर झुकाव ज्यादा बड़ी के साथ या दरमियानी के साथ या तीसरी के साथ, भाई गए तो किसी एक के साथ, माता पिता में भी
हाँ कईयों का झुकाव पिताजी की ओर होता है, कईयों का झुकाव माँ की ओर होता है। जिनका झुकाव दोनों ओर है और भाग्यशाली है, लगते दोनों प्यारे होंगे, लेकिन अगर इंसाफ धर्म के कंधे पे तोला जाए तो या तो माँ आपको बड़ी ज्यादा प्यार लगती है या पिता ज्यादा प्यार लगती है। आप भी देख लो जिंदगी आपकी कट गई। एक ज्यादा प्यार लगता है दोनों में, कौन सा ज्यादा प्यार लगेगा? जो आपके स्वभाव के अनुसार होगा, जो आपकी हां में हां मिलाता होगा, वो जो टोका टाकी के नर में आमतौर पर गर्म गर्माइश है और नारी में आमतौर पर जो है ठंडक है। इसलिए आमतौर पर झुकाव माताओं की तरफ हो जाता है। मैं ले चलो झूठे करके आके ले जा रहा हूं आपको, तो घर के अंदर भी मन एक ओर झुक जाता है। अब जिस ओर झुकेगा उसका चिंतन करेगा, जिस ओर झुकेगा, अब जिधर झुका गए, किस कारण से झुका गए, ओ मेरे परमात्मा, या फिर मुझे शिकवा गया, क्यों झुका गए, ये इसके अनुकूल है। अब पढ़े लिखे हैं, मुझसे रोज सुनते हैं, मेरे एक शब्द पकड़ लो, ये इसके अनुकूल है। जो वस्तु हमारे अनुकूल होगी मन उधर झुक जाएगा। जो वस्तु, ये फूल मेरे अनुकूल है, ये मेरा मन है, ये इधर झुक गया। अब इधर झुका तो इधर और भी तो है, पिताजी भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, उनसे पीठ हो गई। हाँ, उधर इतना झुकाव ना रहा तो हमारा मन जिस ओर झुक जाता है इसको राग कहते हैं। हाय रब्बा ओए, या भगवान ये दो वृत्ति ही ना बनाता, उसके बच्चे अटैचमेंट कहते हैं। अब मन राग मोह लेकर के मां की ओर ज्यादा झुक गया, पिताजी की ओर ज्यादा झुक गया। इसी तरह जो जो बड़ा होगा विशेष कपड़े की ओर ज्यादा झुकेगा, जो आपको जो आपके अनुकूल होगा, विशेष साड़ी, विशेष विशेष आपका सूट है, आपके अपने बच्चे हैं, विशेष आपका मन या तो लड़की में ज्यादा झुका हुआ या लड़के में, तो जिधर ज्यादा झुका उधर राग। जब अगर राग आ गया हां तो कहीं से उठेगा द्वेष। बड़ी जबरदस्त बाधा क्या इस मार्ग में, राग और द्वेष। इसको परमात्मा स्वीकार करती गए, ये राजन है दोनों न मरहूब हो, तो गलबे से इनके ना, मैं आपका ध्यान खींचने आया हूं, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? राग द्वेष, रगबत और नफरत, अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन, बड़ी जबरदस्त बाधा। ओ नेती वो, ओ मेरी नेक माता, जबरदस्त बाधा। इतराज हो मेरे से पूछ लो, मेरे तो महाराज जी की वाणी आपके अंदर समझानी है ना। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा राग द्वेष। अगर कोई और मानता हो किसी और को, तो मुझे टोक लो, मुझे रोक लो, मुझे ब्रेक लगा लो मेरी बेटी, ये दो जबरदस्त बाधा है आपके मार्ग में। और फिर आप ग्रस्ती हैं, आप बाल ब्रह्मचारिणी नहीं है, कुछ बेटियां उनके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम, पर मैं सबकी बात तो सबकी बात ही करूं। गृहस्थाश्रम है, पति देव है, पत्नी है, बच्चे गए, जिम्मेवारियां हैं। जब आपने शादी कर ली है तो पत्नी की तरफ से भी जिम्मेवारियां हैं, साली आप ही की है, साला आपका है, ससुर आपका है और सास आपकी है, आगे फिर और चलो कितना, इधर फिर पिताजी हैं, यहां तक या तो भगवान बात बंद करवाते, पर कहां, पिताजी के आगे रिश्ते हैं, तीन आपके चाची हैं, एक आपके दादाजी हैं, दादी अभी परसों मरी है, ये कितने टंटे गए। हा फिर चाचों के आगे लड़की हैं, आपके भाई के समान है, फिर चाची की आगे लड़कियां हैं, आपकी बहनों के समान है, मरो फिर, देयर इज नो एंड एट ऑल। और आगे और आगे और आगे आपकी तरफ भी नहीं। सुन, इसलिए क्योंकि ये अनित्यम, इनमें दो बड़े जबरदस्त अवगुण है या कमजोरियां हैं। संसार के प्राणी पदार्थों में दो बड़ी जबरदस्त कमजोरियां हैं, ये सदा नहीं रहती और जब अपना बना लेती हैं तो हमारे मुताबिक नहीं रहती। ये चीजें सदा नहीं रहती हैं, ये प्राणी पदार्थ, अगर हम गलती से अपना बना लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमारे स्वीट विल के अनुसार, हमारे मनोस्तर के अनुसार नहीं रहते।
भाई ये परमात्मा का अटल नियम है। परमात्मा का ये नियम मैंने कई बार कहा, संसारी किसी भी प्राणी पदार्थ का प्रयोग करोगे तो उसका ह्रास हो जाएगा। लाफ डिमिशिंग यूटिलिटी, किसी चीज का बार बार प्रयोग करो वो रस नहीं रहता, वो मजा नहीं रहता, वो सुख नहीं रहता, वो एकाग्रता नहीं रहती। ये मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ये नियम ही अटल है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर जरूर पढ़िए। पहले वो चीज बड़ी अच्छी लगती है, फिर हम उसे लेते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके कंज्यूमर बनते हैं, उसकी वैल्यू खत्म होती जाती है। और भी कम, और भी कम, फिर क्या दिल करता है, ये नहीं मैं फलानी चीज लूं। इस चीज को चूज करके देख लिया भवरा बन के, हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, नाउ द नेक्स्ट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। यहां भगवान जी कह रहे हैं, लगाए जो महसूस अशिया से मन। अब मन कहां लगा, प्राणी पदार्थ, और बार बार चिंतन कर रहा है, और उसकी कमी के कारण से छाती हमारी गर्म होती जा रही है, हमारा मन में गर्माहट पैदा होती है। यहां भगवान ने बताना था, दुनिया की चीजें देखने योग्य तो है, उनका प्रयोग भी करना अच्छा मेरे प्रभु, लेकिन हां उनको अपना नहीं बनाना, क्योंकि अनित्यम असुखम, वो चीजें अनित्य हैं और दुखदाई हैं। ये परमात्मा बता देता, बस इतनी सी बात, इतनी घुट्टी पिला देता, मां की घुट्टी पीने से पहले अंदर भगवान अपनी वाणी की घुट्टी पिला देता। बाहर निकले हैं तो मां घुट्टी पिलाएगी, पर मां की घुट्टी पीने से पहले भगवान अपने उपदेश की घुट्टी पिलाता। अनित्यम असुखा, ये सब प्राणी पदार्थ अनित्य हैं, दुखदाई है। हाय आज इस दुनिया का नक्शा क्या हो, कभी कभी शेख चिल्ली की तरह बैठा हुआ जाप भी छोड़ देता हूं और नक्शा बनाता रहता हूं कि अगर ये इंसान को सबसे पहले भगवान बता देते, इस दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता, इंसान ही कुछ और बन जाता, उन देवताओं को मात कर देता। अगर इंसान को यह पता होता कि इनका प्रयोग करना है सिर्फ, इनके साथ मन नहीं लगाना, मन केवल भगवान जी के, भगवान खुद बताते मन मेरे में लगाना, थोड़े दिन तूने रहना है और जो चीजें नजर आएंगी वो भी थोड़े दिन की हैं, मन मेरे में लगाता, उनका प्रयोग करता हुआ फिर मेरे में आ जाना, जो आज्ञा प्रभु। भगवान ये बताते ही, ये भगवान कहते हुए बताता हूं कब, क्या क्या, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को, बहु नाम जन्म नाम अंते। अब मैं क्या करूं और आप क्या करूं, पर हमने तो अपना कल्याण करना है ना, ये तो नियम मैंने बता दिया, चाहे ठंडे सांस भरो तो चाहे गर्म सांस भरो, पर ये नियम ही ऐसा है। आहा जो मर्जी कही जाओ, बात तो ये है कि आप निकले किसी तरह, कोई पक्षी फंस गया बेचारा, बड़ी मौजों में था अपनी पत्नी के साथ, उसको पकड़ लिया शिकारी ने, पकड़ के बंद कर दिया पिंजरे के अंदर, तो अब वो तरसता है किसी तरह मैं, किसी तरीके से मैं अपनी पत्नी के पास, बच्चों के पास, सारे जंगल में जाऊं। अब वो अंदर फंसा पड़ा है, आहा करे तो क्या करे, इसी तरह जीव उलझ गया है, अब करे तो क्या करे। अब हम तो कल्याणकामी है ना, अब हमें, हमने बहुत कुछ देख भी लिया, अनुभव भी कर लिया, बहुत कुछ व्यवहार भी कर लिया, अब पता लग गया है कुछ, हम ही सारे प्राणी पदार्थों को अच्छा बनाते हैं, अपने आप में कुछ भी नहीं है, हमने बनाया था, असलियत को जान लिया हमारा मन हट जाता है पीछे। देवी असलियत को जान लेने के बाद हमारा मन विड्रॉ हो जाता है, जो माइंड हमने खुद डिपॉजिट किया था ना, हम अब क्या होता है, अब हम खुद जैसे खुद ही रुपए में, मानो बैंक में हमने 1000 रुपए जमा करवाया, जरूरत पड़ती है तो विड्रॉवल भर लेती है ना, रुपए लेने वाला फॉर्म, विड्रॉवल भरा दिया, रुपया निकाल लिया। अब हमें असलियत का पता लगा, खुद ही अपने मन को निकाले जा रहे हैं कि नहीं, अब हम विड्रॉवल ही भरते जा रहे हैं हर एक के साथ, नहीं मेरी बड़ी भारी भूल, इनमें नहीं लगाना था, लगाना था जिसने ये सारा कुछ बनाया है। और नेक जीवो ये बात तो आज ले ही लो मेरे से प्रसाद के रूप में, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, चूंकि आप कल्याणकामी है, ये ले लो मेरी माता और मेरी बेटियों, ये बात पकड़ लो कि प्राणी पदार्थों का चिंतन नहीं करना, क्योंकि अनित्य मासुख में देखो परमात्मा क्या कह रहे, गए लगाए जो महसूस अशिया से मन, सिद्धांत
जो प्राणी पदार्थों का बार बार चिंतन करता रहेगा, लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और हो लगन, उनके साथ मन चिपक जाएगा, मन स्टिकर बन जाएगा, उनके साथ स्टिक हो जाएगा, जिसका आप बार बार चिंतन, एक बार नहीं अनेक बार, बहुत ही अच्छी चीज है मेरे लिए, बड़ी अच्छी, मेरे भविष्य में बड़े काम आएगी, एक बार नहीं, सो मेनी टाइम्स, आप बार बार चिंतन के बार बार बार, अब माइंड स्टिक करेगा, स्टिकर बनकर, फिर क्या होगा, अपना क्या दैत भी शांत संगत ही शुभ जाते, संगा संजायते कामा, अब उसको लेने की तमन्ना उठे, अब न रात नींद है, न दिन को चैन है, न रोटी में ठीक खा पा रहा हूं, ना तुम रोटी को ठीक खा रही हो, पांच फुल की जगह चार कर दिए, चार की जगह तीन कर दिए, ठंडे सांस भरी जाइए, और रात आपको पता ही लगता था सोने कब करा, अब नींद ही नहीं आती, करवटे लेते ही लेते साफ उड़ जाती है नींद, वो बार बार उसी का चिंतन होता, उसकी कमी महसूस होती है, अब क्या हुआ, फिर भगवान कहते इस तरह बुद्धि पर संस्कार पड़ जाते हैं, बुद्धि पर संस्कार पड़ जाने से बुद्धि कुछ पहले सोचती थी वो सोचना ही बंद हो जाता, जायल हुई अक्ल, इंसान का डाउनफॉल आ गया, मेरी बेटी अब गिरती है, इसको खुद भगवान कहते हैं वो गिरते ही गिरते, अब गिरते गिरते का मतलब क्या, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, निंदा में, मत्सर में, चोरी में, यारी में, हवा में, बुगज में, कीना में, इत्यादि गंदी वृत्तियों में वो गिरते ही गिरते ने जमाने का हाल देख रहे हो, जैसे आप नारी वर्ग का हाल देख रहे हो, नर वर्ग का हाल देख रहे हो, वो गिरते ही गिरते चले जाए, कौन माई का लाल गुरु का बाल उनको संभाले, नहीं, चूंकि उनका चिंतन ही गलत हो गया, उन्होंने चिंतन में संसार के प्राणी पदार्थों को ही रख लिया, अब उन्हीं को सोचे जा रहे हैं, राग के कारण से, मोह के कारण से, इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा, कहां साधना होगी, राग से तो कामना पैदा होती है, वासना पैदा होती है, इससे क्या होगा, विक्षेपता, बस भक्ति ठप, भक्ति करता है कौन, जिसका मन टिका हुआ है, टिका हुआ मन किसका होगा, जिसमें चोटी का विवेक है और विवेक से पैदा हुआ हुआ वैराग, ये दोनों जिसके पर बने हुए हैं, साधना साधक एक पक्षी है, वह महापुरुष कह गए साधक एक पक्षी है और विवेक और वैराग उसके दो पर, ना भूलना ये दृष्टांत, ये जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी का दृष्टांत है, विवेक चूड़ामणि में, साधक एक पक्षी के समान है, भगवान का भक्त एक पक्षी है और विवेक और वैराग पर है, जो बराबर जीव को लंबी उड़ारियां लेकर भगवान की ओर ले जाते, लंबी उड़ारियां, अब विवेक वैराग स्ट्रांग हो जाए, अपने को देखिए चूंकि आप कल्याण का भी है, अपने को निहारिए चूंकि आप कल्याण चाहती हैं अपना, तो बार बार देखिए अभी ये बाधा है ना मेरे अंदर, जबरदस्त बाधा है ये राग और द्वेष की, जिसको भगवान मस्तक पे हाथ धर के कहती है इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम, सब में देख लो, गली मल्ले वाले, अखबारें और इर्द गिर्द वाले, मिलने जुलने वाले, आपके पत्र जो आते हैं, इसी में अर्जुन ये खलकत परा गंदा रहती है, यूं सुबह शाम सवेरे शाम इसी दलदल में उलझे पड़े गए, कौन सारा संसार, देखो जहां भी कई बातें होंगी, राग भरी द्वेष भरी, राग भरी द्वेष भरी, राग भरी द्वेष भरी, अखबारें पढ़ लो राग भरे कई कालम, राग भरे कई कालम द्वेष भरे, बस कोई रिश्तेदार आएगा राग भरे, कोई मजा नहीं, भगवान की बात करे, असर की बात करे, प्रलोक की बात करे, अपने कल्याण की बात करे, भाई तेरा यही वक्त है, जोबन है, इस जोबन में जो मर्जी कर ले, बाद में एक एक अंग शिथिल हो जाएगा, कुछ होना ही नहीं, यही वक्त है कुछ करने का, ये कोई बातें नहीं करेगा, गंदी मंदी बातें, पुराने गड़े मुर्दे उखेड़ के आपके मन को अशांत कर देंगे, आपके मन को बेचैन कर देंगे, असल बात करने वाले लगभग कोई नहीं रहा, कहीं गीतों की आवाज आती है तो गंदी मंदी आवाजें, कहीं टीवी खोल लो तो गंदी मंदी, जिधर भी आप जाएंगे आपको उलझाने वाली बातें, ये श्लोक क्या हमारे पे लागू हो गया, भगवान का ये फरमान दूसरे अध्याय में क्या हमारे पे लागू होता है, हो अक्ल आजाद, हाय हाय हमारे सब पे तभी लाभ है मेरे सुनाने का और आपके सुनने का, गीता सुनने का तो मेरी देवी तभी लाभ है, हो अक्ल आजाद जंजाल से, क्या होगा, निकल जाए तू राग
राग के दलदल से निकल जाएगा। जो हो अकल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह की जाल से, क्या होगा सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बिद, तब लाभ होता है मेरी देवी भगवान की गीता जी सुनने का, तब लाभ होता है मेरे सज्जनों और मेरे धार्मिक भाइयों भगवान की वाणी में मन लगाने का कि इस दलदल से निकल आओ, इस दलदल से मैं अपने आप को छुड़ा लूं। अदरवाइज ठोस लाभ तो हो गई, तो सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा इस मार्ग में बाधा क्या है, संसारिक चिंतन क्या छूटा के नहीं, मेरा पूरा पूरा हक है ये पूछने का। जैसे माँ कुछ रोटी खिला ले बच्चे, फिर वो माँ का हक है ये कहने का, बच्चे आपको अच्छी लगी माँ रोटी, बहुत अच्छी लगी, सब्जी बड़ी अच्छी लगी, ये कुछ ने सत्संग सुनाया है तो मेरा हक बन जाता है ये कहने का। क्यों भाई, आपके मन का चिंतन हटा है कि नहीं, इसका अगर आप जवाब सही दे पाए बस साधना हो गई, क्योंकि सारी बात तो मन की है, तर्क तो कोई अंग नहीं तंग करता, इन विचारों को दोष से भरा हुआ ना माना करो, ये बेदोषी है। आपके सारा दिन चिंतन क्या रहता है, हेयर लाइज द मेन पॉइंट पिकअप, आपके मन का चिंतन क्या रहता है, मैं भी गीता को छाती पे रखूं और आप भी गीता को छाती पे रख के जवाब दीजिए। अगर कृष्ण प्रकट हो जाए और आपसे पूछे एज ए वर्ल्ड टीचर, आपके मन का चिंतन कहां है, आपका मन क्या सोचता है, क्या रूपों के बारे में सोचता है, तो फिर क्या होगा राग द्वेष के बारे में, फिर साधना कुछ नहीं। बेटे फिर मेरे आपके यहां आना, मेरे सुनाने का कोई ठोस लाभ नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, चाहे इससे और दस गुनी जनता आ जाए कोई ठोस लाभ नहीं, अगर चिंतन में भगवान नहीं आए तो। वो तो जब दीदार देंगे तब तो बाद की बातें हैं, अब की बात लो ना, वो तो हमारे बस की बात नहीं, वो तो जब हमें अधिकारी समझेंगे हमारा कल्याण करेंगे, लेकिन ये तो हमारे बस की बात है कि मेरे मन का चिंतन संसार ना चले, मेरे मन का चिंतन संसार रूप में ना चले, वरना सब गंदी वृत्ति आ जाएगी, सब की सब बेटे सब की सब गंदी वृत्ति आ जाएंगी। एक ने चिंतन किया, मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, अब किताबें भी आ जाएंगी हैं, ट्यूशनें भी रखने लग जाएंगी हैं, कापियां भी आ जाएंगी हैं, ये बाल पेन जो भरने की जरूरत नहीं है ये भी आ जाएंगे हैं, अब कोठे में जो एक कोठे में बड़ा प्रतीत सामान पड़ा था वो खास सब खाली करवा लेगा, अब एकांत भी जाएगा। एक मैंने पढ़ना है, बीए करनी है, कितना टंटा पड़ गया देख लो, मां जी ने सब्जी में कुछ रुपया बचाया, कुछ कहीं और से बचाया, इसकी ट्यूशन पे लगा रही है, कहीं अपनी वो कांटा बेचा, मां कह रही थी मैंने मुझे कांटा देना पड़ गया, कहीं कुछ, एक मैंने पढ़ना है, कितना पड़ा पड़ा। इसी तरह संसार का चिंतन करने से कितना फैल जाता है, ओए ओए ओए, कितना फैलाव हो जाता है, जैसे मां पुष्पा ने कहा कैसे फैलाव हो जाता है, जैसे पानी से भरे हुए लबालब टब के ऊपर केवल सरसों के तेल की एक बूंद डाल दो, है डाल देना सिर्फ एक सरसों की बूंद, सारी चिकनाहट फैल जाएगी उस पानी के ऊपर, सब कुछ सब। इसलिए जब संसार का चिंतन करेंगे, यानी ये लगाए जो महसूस तल्लुक बड़े उनसे होर और लगन, तल्लुक से ख्वाहिश का हो फिर जहूर, वो ख्वाहिश से गुस्से का दिल में फतूर, वो गुस्से से फिर तीरगी रूनुमा, उस सर तीरगी का और सैब वो खता, इसी सैब से अक्ल हो पाए माल, जायल हुई अक्ल आस। ये कैसे गिरता जा रहा है इंसान, प्राणी पदार्थों का चिंतन किया, चिंतन करने से इनसे मोह बढ़ा, मोह बढ़ने से इनकी कामना बढ़ी, कामना में बाधा आई तो लोगों पर क्रोध आया, हाँ कामना पूरी होती गई तो लोभ आ गया, कई कामना पूरी हो गई तो अहंकार आ गया, बुद्धि ने अपना काम छोड़ दिया, इंसान मारा गया। हाय 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 हाय, यार रब बताता ना, क्या बकवास कर रहा हूं बार बार, मेरे संसार में जाकर तुम मेरा चिंतन करना। अब रब कह रहा है, अब क्या सदा मेरा पैगम जिसे, अब समझ आ रही है कि ये चिंतन करने योग्य ही नहीं है बेटे, ये चिंतन करने योग्य ही नहीं है। एक कुत्ता बड़ा भूखा था, महापुरुष कहते हैं
बहुत भूखा था। इस घर में गया तो डंडे खाए, उस घर में गया तो उसकी दुत दुत हुई, बड़ा भूखा। एक जगह उसने देखा गैया पूछ हिला हिला के और अपना शरीर हिला हिला के खा रही है, पता नहीं इसको क्या मिला हुआ है, और इतनी मजे से खा रही है और मैं भूखा मर रहा हूं। कुत्ते ने कहा ये कैसे मजे से पूछ हिलाई जा रही है और कैसे यूं करती जा रही है, कोई बड़ी मजेदार चीज होगी। आओ देखा ना तो मारी छलांग खुरली के अंदर या सन्नी के अंदर। हाँ अब वो तो गई डर, उसने बहुत किया और वो तो अपना रस्सा पीछे हटा करके लंबी खड़ी हो गई। हाँ अब उसके अंदर क्या कहा, खल और बिनोले और चने और भी कोई गड़बड़ चीज होगी, ये तो कुत्ते का खुराक ही नहीं। कुत्ते ने मुंह मारा लेकिन वो तो उसकी चीज ही नहीं, खाने योग्य उसका है ही नहीं। अब खाने योग्य नहीं, अब वो भी उसको भूख लगी है, वो नजदीक आती है वाह वाह और फिर डर के पीछे हट जाती है। थोड़ी देर फिर आती है, फिर कुत्ता बोलता है घुर्राता है हाँ, फिर वो उसकी चीज ही नहीं। गैया कहती है ओ चाचा ओ पुत्र, पुत्र बना ले मैं तुझे, हाँ या तो तू खा ले ना कोला, अगर कोला है तो फिर मुझे खाने दे। फिर भौं करता है आप भी अब आगे कदर ना करें, भगवान के अनुसार ना बने तो बन गए हम खुरली के कुत्ते। हायरपा बाबा ये दृष्टांत बड़े कमाल का है, ना खाता है ना खाने देता है खुरलिया कुत्ता, अर्थात ना तो खुशी से खुद जीता गए, चलो उस बेचारी खाने दे, ना तो मन खुशी से जी रहा है चिंता में गए, और ना इस काया को खुशी से जीने देता। अब ये बात बने कैसे, अगर आप अपने पे तर्स करें, अगर आने वाले अपने पे तर्स करें कि मैंने संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन नहीं करना क्योंकि इनमें बीमारी गए जबरदस्त अनित्यम असुखम, ये चीजें अनित्य गई और दुखदाई है, मैंने इनका चिंतन नहीं करना, मैंने तो अपने परमात्मा का चिंतन करना है। लो बच्चे अब कोई बात नहीं, अगर ये आपने पक्का इरादा कर लिया, मेरे से भी ज्यादा इरादा कर लिया कि इनका चिंतन नहीं करूंगा, इससे पहले कि मैं जबरदस्ती संसार को छोड़ू, संसार का मतलब प्राणी पदार्थ, उनको छोड़ू, लानत मुझे, मैं ही अपनी खुशी से मन से निकाल देता हूं, मन से। बाहर तो पति देव रहेंगे, पत्नी रहेगी, बच्चे रहेंगे, मां बाप रहेंगे, कदर करेंगे, प्रणाम ले दे, मन में नहीं रखना मेरी भगवती, मन में नहीं रखना, इनको मन से बाहर निकाल दो, इनको कदर दो पूरी पूरी। अगर ये मन में रह गए नहीं भक्ति होगी, बाधा बनी रहेगी। सबसे बड़ी बाधा है विक्षेपता, सबसे बड़ी बाधा है भाई वेवरिंग, विक्षेपता। विक्षेप मन तो कुछ भी नहीं कर सकता, विक्षिप्त मन कुछ नहीं कर सकता बेटे सजनों, वो ही मन बहुत कुछ कर लेगा जो कि विक्षिप्त नहीं है, एकाग्र है। एकाग्र मन ही बहुत कुछ कर लेता, इस मार्ग की मंजिलों को बड़ी खुशी से तय कर लेता है। अरे सुन ले, बड़ी खुशी से तय कर लेगा हमारा मन। अगर एकाग्र कब होगा, जब इन रूपों से हट जा कि ये जा रही है, ये जा रही है, इनकी मैं सेवा तो करूंगी पर इनका मन में चिंतन नहीं करूंगी, बस बाधा गई। फिर क्या होगा, मोही नहीं होगा, जहां राग नहीं वहां द्वेष भी नहीं, जहां अट्रैक्शन नहीं वहां रिपल्शन ही कोई नहीं, जहां रगबत नहीं आपसे आने गए वहां नफरत भी कोई नहीं। अब आपका मन हो गया एकाग्र, कितनी रास की बातें कृष्ण बता गए हैं, मैं तो उनका हरकारा हूं, मैं तो उनका डाकिया हूं, उन्हीं का ही संदेश आपकी हाथों पे तो नहीं रख रहा, आपके अंतःकरण में रखने की चेष्टा कर रहा। ये जो पत्र हरकारे लाती हैं वो आपके हाथों पे रखे जाते हैं, और मैं जो डाकिया बन के आया हूं ये भगवान का संदेश है जो आपके अंतःकरण के रखने योग्य। अब आप ध्यान दे लो, अगर तो डट के साधना करनी है और इस स्थान में आने का, श्री गीता जी के श्रवण करने का ठोस लाभ उठाना है, संसार का चिंतन नो मोर, मैं संसार का चिंतन नहीं करूंगा, ना मैं अगणित बार कहूंगा संसार का चिंतन छोड़, संसार नहीं छोड़ना, गृहस्थी नहीं छोड़नी बेटी। भगवान ये नहीं कह रहे, भगवान तो स्पष्ट कह रहे गए क्या क्या ना करने से बेहतर है कर्म करना है। भगवान कर्म नहीं छुड़ाना चाहते, कर्म में जो
उम्मीद रख लेती हैं वो छोड़ जाए, कर्म में जो हम तमन्ना रखते हैं वो कहते ये छोड़ दे, कर्म तो करते रहो लेकिन कर्म में उम्मीद नहीं रखनी, उम्मीद रखनी अपने परमात्मा से। इसलिए सारे गीता का निचोड़ माम एकम शरणम व्रज, केवल एक मेरी शरण ग्रहण कर संसार के प्राणी पदार्थ, एकम जो एम लगा दिया ना माम एकम, एकम ने घटम डाल दिया, केवल एक भगवान की, अनेकों की नहीं, केवल एक भगवान की, इनकी सेवा करें, मिले जुले करें, सब करें लेकिन शरण तो केवल भगवान की। अनेकों से आप मिलेंगी लेकिन पति तो एक ही होगा, हाँ पति तो हमारा है, इस तरह अनेकों के साथ व्यवहार होगा पर इष्ट देव तो हमारा एक ही होगा। शरण तो लेने योग तो हमारे भगवान होंगे, बाकी तो मिलना जुलना रह गए, लो आपकी बिगड़ी दिनों में बन जाएगी और मैं देख के भगवान के पास बड़ी खुशी से जाऊंगा कि मेरे बच्चे बन गए, इन्होंने सही बात जान ली। किसने? जिसके चिंतन में भगवान जी आ गए, जिनकी आंखों में नहीं वो तो जब भगवान कृपा करेंगे, या हमारी वाणी में तो जाप आ गया, जिनके मन में चिंतन भगवान का शुरू हो गया। ये शर्त पूरी करो, बड़ी जल्दी पूरी करो कि मैंने चिंतन तो भगवान का करना, जब भगवान ने नहीं बताया अब बताया तो मैं अब पकड़ लू, पहले तो नहीं बताया ना सही अब तो पकड़ लू, शाबाश। कि चिंतन करने योग्य है ही भगवान, उस कुत्ते को तो नहीं पता था कि जो पशु का चारा मेरे खाने योग्य नहीं है, अब तो पता लग गया कि नाम रूप मेरे चिंतन करने योग नहीं है, जैसे खल बिनोले और चने इत्यादि कुत्ते का चारा नहीं है, वो पशु का चारा है। इस संसार के नाम रूप हमारे मन रूपी कुत्ते का चारा नहीं है, ये रजोगुनी का चारा है, ये तमोगुनी का चारा है, सतोगुनी का चारा केवल भगवान जी। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे से भी ज्यादा ये बात अपने अंदर ले जाओ, ओ मेरे से भी ज्यादा पकड़ ले मेरी भगवती, मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे से ज्यादा पकड़ ले अपने अंदर। दो ही हमारी चोटी की तैशी होती है, या अपना पिता या अपना गुरु, तीसरा ही तैशी और कोई नहीं होता। परम ही तैशियों में आपका पूरा पूरा सिर्फ इस रूप में अपने पर कदर करो कृपानाथ कि मैं चिंतन में भगवान को ले आओ, मैंने आज के बाद चिंतन भगवान का शुरू कर देगा, बस दिस इज द सॉलिड गेनिंग कि मैंने चिंतन में किसी को नहीं लाना। जैसे मेरे जैसा इंकलाबी है, मेरे से कई गुना ज्यादा इंकलाबी आप बनो। हमने कहा था या तो इस मार्ग पे लगना नहीं, लगना गए तो फिर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जब मेरे भगवान कह रहे हैं कि वाकई चिंतन इनका करना राग द्वेष से भरपूर हो जाना है, फिर तो इंसान कहीं का ना रहा, पखंडी बना रहा। इसलिए चिंतन इनका नहीं भगवान का चिंतन करेंगे, इनके साथ व्यवहार करेंगे, इनसे उम्मीदें नहीं रखनी। कितना अच्छा फरमान भगवान ने कहा है, भगवान के चरणों में गिर गिर करो प्रेम के आश्रु बहाओ, जिन्होंने ये पाठ पढ़ाया सहारा किसी का अमल उसका है ऐन करके अमल, वो दुनिया में रहता हुआ करता हुआ भी कुछ नहीं करता जिसने सहारा अपने परमात्मा का ले रखा। कितना अच्छा कहा, और फिर जो कितनी समुन्द्र दिली दिखाई, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। ये दोनों फरमान गीता के कितने चोटी के हैं जो हमें प्यार मोहब्बत से खींच के भगवान के चरणों में ले जाते। अब करना तो आपने है ना, समझाना मैंने कहे, प्रेरणा मैंने देनी है, आपकी शंकाओं का समाधान करना है, पर क्या करूं नियम में परमात्मा कैसा है, करना आपने है, जुटना आपने है। इसी समय कसम खा लो कि मैंने चिंतन भगवान का करना, भी देवियों मेरे पे तरस करो, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर साथ नहीं दे रहा, पूरा खून भी हार्ट को नहीं जा रहा, इन सारी बातों को देख के तरस करो। आपके बताने वाला है कि शरीर दया के योग्य हो गया है और हूं, मेरी कर्तव्य केवल यही है कि आपको रब का प्यारा बनाऊं, आपके मन और बुद्धि को भगवान की ओर झुका डालूं, क्योंकि अगर झुक जाएंगी जिधर तो जिधर झुक जाएंगे, जैसे मैंने कहा सिग्नल जिधर झुका हुआ उसी लाइन पे गाड़ी आएगी, जिधर हमारे मन बुद्धि झुके होंगे वही हमारे आगे आएगा, हमारा कल्याण ही जाएगा। तो कैसी शरीर की दशा हो जाती जा रही है, और आप अगर सुस्ती दिखाएं तो अपने भी जुल्म करेंगे ना, मेरी मेहनत पर पानी फेर देंगे ना सारा। भरे जोबर में मैं आपके पास आया था, केवल 24 वर्ष 2 महीने का मैं था,
जबकि आप 64 साल का हो चुका हूं। इतने वर्ष मैंने आपके अंदर गुजार दिए, भरत जोबन दे दिया आपको, सब कुछ मां आपकी झोली में डाल दी, पिता आपकी झोली में डाल दी, सारे रिश्तेदार आपकी झोली में डाल दिए। अभी अगर आप ढील दे तो क्या भगवान क्षमा करेंगे आपको? एक ने सब कुछ आपकी झोली में डाल दिया, सब कुछ, फिर भी अगर साधना में आप ढील करते हैं तो शायद परमात्मा क्षमा नहीं करेंगे, परमात्मा को क्रोध आ जाएगा। एक अपनी ओर से क्या कर रहा है और दूसरे को यह भी नहीं समझ आ रही कि चिंतन भगवान का करना है। देख लो मेरी देवियों, देख लो मेरे सज्जनों, अपने मन को समझा लो कि मैं किनके पास जाता हूं जो सब कुछ हमें दिए बैठे, अपनी हर चीज हमारे हवाले किए बैठे हैं, और अब करना क्या है? इतना ही करना है जो मेरे कृष्ण मुझे और आपको बता रहे हैं। फकत क्या कहा? क्या सदा मेरा पैगम, तो मिलना मेरा उसको आज रात को समझा लेना। बोल तो अभी समझा लो कि इसी घड़ी चिंता तो मैं अपने कृष्ण का करूंगी, चिंता तो मैं अपने इष्ट देव का, चाहे मेरी बोटी बोटी काट ले कोई, पर चिंता तो मैं अपने भगवान का करूंगा, क्योंकि वही चिंतन करने योग्य है। संसार जो चारा है रजोगुनी का चारा है, मेरा और आपका चारा नहीं। कितना मैंने दृष्टांत दिया आपको महापुरुषों का, सन्नी जो है ना वो पशु का चारा है, हाँ कुत्ते का चारा और होता है, हाय ये रजोगुनी का चारा है। ये राग द्वेष में भर के चिंतन करें, माँ का बाप का बहन का भाई का शत्रु का मित्र का इसका उसका, ये फैशन का ये वो का, ये रजोगुनी का चारा है। सतगुनी का चारा भगवान का चिंतन, आहा भगवान के उपदेश का चिंतन। देखो मैं तो नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं। क्या वो आपस में करते गए मेरे जिक्र से शादु मसरूर दे, ये प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरे सच्चे प्यारे गए वो मेरा जिक्र करेंगे, मेरा फिक्र करेंगे, मेरा चिंतन करेंगे, मेरी वाणी को लेके सोचेंगे, अपनी साधना को देखेंगे, अपनी कमियों को निकालेंगे, भगवान का चिंतन। यही है ना, जैसे पति मृता सिवाय पति के किसी का चिंतन करती, सच्चा भगत सिवाय अपने भगवान के किसी का चिंतन। अभी कर लो मेरे नेक जीवो, अभी कर लो। अनमोल समय चौकड़ियां भरता हुआ खरगोश की तरह जा रहा, अवसर दिया है भगवान ने, अभी यही करना है। चिंतन में मैं अपने भगवान को रखूंगी। अब तो मेरे प्रभु मुझे गर्भ में जिसने बताना था अब नहीं बताया, तो अब तो बता रही है ना। मैं अब इसी घड़ी इस अवस्था में मेरे स्वामी जी कहा करते थे कि जो बात पहले करनी थी वो नहीं की और अब समझ आ गई, तो अब मन को कह लो अभी नहीं तो कभी नहीं। अब अगर मैं नहीं अपनाती तो फिर मैं कभी भी नहीं अपना पाऊ। एक बार फिर कहना चाहता हूं, चिंतन में भगवान को शुरू कर दो, सोचने में विचारने में भगवान को, व्यवहार में जहान को, लेने देने में जहान को, पर मन द्वारा चिंतन करने से भगवान, मन से जो चिंतन करना है, सोचना है, विचारना है, केवल भगवान जी को, बस फिर मेरा भी बेड़ा पार और आपका भी बेड़ा पार, मेरा भी सुनाना सफल और आपका भी सफल। फिर तो नियम संजय के मुंह से भगवान ने कहलाया है, जा है कृष्ण। अब सोचो वाह क्या नहीं, वाह जीव की बिगड़ी बन गई, लोक भी बन गया, परलोक पर लोग पर लोग किसका बन गया, जा है कृष्ण। और कृष्ण मेर बा कहां है, सदा मेरा पैगम जिसे क्या। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण था।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।